हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है इन्फ्लोमेशन ऑफ द ब्रेन पैरन इज जनरली टर्म्ड एज़ यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्रेन की पैरन है यदि उसमें हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है माइलाइटिस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मैनेजाइटिस ऑप्शन नंबर थ्री इज एंसिफेलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज कॉर्डाइटिस और इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री एंसीफेल ब्रेन की पैरकाइमा में यदि इन्फ्लमेशन हो रहा है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज एंसीफेलाइटिस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी एडिशनल कैलोरी आर नीडेड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसका सेकेंड ट्राइमेस्टर जो चल रहा है उसे कितना एडिशनल कैलोरी हमें प्रोवाइड करना चाहिए उसे नीड रहेगी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नो नीड कैलोरी रिक्वायर्ड कोई अलग से किसी भी प्रकार की कैलोरी की नीड नहीं रहेगी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टू कैलोरी पर डे ऑप्शन नंबर थ्री इज़ फोर कैलोरी पर डे एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ सिक्स कैलोरी पर डे तो यहाँ पर हमें बताना है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अगर है प्रेग्नेंट वुमन का तो कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी हमें इंक्रीज करके देना चाहिए तो यहां पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 200 कैलोरीज पर डे टू हंड्रेड कैलोरीज पर डे की जो है एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है ये हमें प्रेग्नेंट वुमन को प्रोवाइड करना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेट रॉड टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट रॉड टाइप बैक्टीरिया का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इस्टेरिया ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्टाप्टोकोकाई ऑप्शन नंबर थ्री इज स्टैफिलोकोकस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज नन ऑफ दीज यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस चेरिया कॉलाई इस्टेरिया कॉलाई जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेट रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर का बैक्टीरिया रहता है और यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया इस तरीके से जो कोकाई है उनसे मिलके बना रहेगा एंड स्टेफाइलो जो बैक्टीरिया रहेगा वो इस कोकस बैक्टीरिया है उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का दिखाई देगा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रो कैनामाइट बिलोंग टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स यहाँ पर पूछा गया है प्रो कैनामाइट जो ड्रग है वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आती है एंटी एरिथमिक ड्रग्स के कौन से क्लासिफिकेशन में आती है ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ बीटा ब्लॉकर्स ऑप्शन नंबर थ्री इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ अल्फ़ा चैनल ब्लॉकर्स

फ्लूड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है यहाँ पर हमें उसका नाम बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बोरसा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फैसिया ऑप्शन नंबर थ्री इज एंड नंबर फोर इज फैसिक्यूलाई तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुरसा यहाँ पर यहाँ पर जो बुरसा है एक प्रकार का कॉनेक्टिव टिश्यूज़ है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये ब्लू कलर से जो इंडिकेट हो रहा है दैट इज़ बुरसा एंड ये क्या करता है साइनोवियल फ्लोड का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और एक प्रकार का कॉनेक्टिव टिश्यू है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन इज नोन एज यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी एक रेयर कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एचसीएल का सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर, नंबर फर्स्ट इज ऑलिंगर एलिजन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर थ्री इज मॉर्जलिन अल्सर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज प्योर्ड जेगुलर सिंड्रोम तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम जो जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम है ये ट्यूमर्स की वजह से होता है अगर स्टमक में गैस्ट्रीनोमाज नाम के जो ट्यूमर हैं डेवलप हो जाएं तो इनकी वजह से क्या होगा बहुत ज़्यादा टू मच एसिड का प्रोडक्शन होगा स्टमक में एच का जो अमाउंट uh, है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा एक्स्ट्रा एसिड की वजह से स्टमक uh, में पेनफुल पैप्टिक अल्सर हो सकते हैं और जो स्टमक की है 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 वो पूरी डैमेज हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा पूछा गया गया पर किडनी की जो covering, जो आउटर कवरिंग कि थिन स्मूथ लेयर ऑफ़ फाइब्रस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई रहती है उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइलम ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कॉर्टेक्स कैप्सूल एंड ऑप्शन तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री कैप्सूल जो किडनी की आउटर लेयर होती है आउटर कवरिंग होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर से जो कवरिंग दिख रही है इसे कैप्सूल कहा जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू मेक अ पेशेंट रिलैक्सड एंड कंफर्टेबल फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है तो हम पेशेंट को किस चीज़ से रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे ताकि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबली फिजिकल एग्ज़ामिनेशन उसका हम कर सकें ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर हम पेशेंट को जो है ग्लास पानी देंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ एनकरेज पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लाडर बिफोर एग्जामिनेशन या फिर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अपना जो ब्लाडर है उसे एम्प्टी करके आ जाए एग्ज़ामिनेशन के पहले एंड ऑप्शन नंबर

तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड करिए जब पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लडर बिफोर एग्जामिनेशन हम इनको एडवाइस करेंगे कि पेशेंट जो है वो ब्लडर को एम्प्टी करके आ जाए यूरिन पास करके आ जाए उसके बाद ही हमें जो एग्जामिनेशन है वो करना है ताकि पेशेंट जो है रिलैक्स फील करे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइसिस इज़ यूज टू इमोबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन इन केस ऑफ स्पाइनल इंज्यूरी इन पेशेंट यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी पेशेंट को स्पाइनल इंज्य हुई हो तो उसे जो सर्वाइकल स्पाइन है उसे इमोबलाइज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हेलोवेस्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्पाइनल ब्रेसिंग ऑप्शन नंबर थ्री इज थौराकोलर ऑर्थोसिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एवर्ड ब्रेस तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेलो वेस्ट हेलो वेस्ट नाम का जो डिवाइस है इसे यूज किया जाता है सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज करने के लिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो हेलो वेस्ट है इस तरीके का जो डिवाइस रहता है इसे यूज किया जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एजुकेशन विच इज प्री प्लांट डायरेक्ट ऑर्गेनाइज एंड गिवन इन अ स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल एंड कॉलेज इज कॉल्ड यहाँ पर पूछा गया किसी भी स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे स्कूल और कॉलेजेस में एक प्री प्लान डायरेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो कौन से टाइप का एजुकेशन कहलाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ फॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन नंबर थ्री इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ कम्युनिटी एजुकेशन इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन यदि जो एजुकेशन है वो किसी फॉर्मल स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल नॉट बी कैप्ट स्टोर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ यहाँ पर पूछा गया है कि 1998 में जो रूल्स बनाए गए थे बायोमेडिकल वेस्ट के उसके अकॉर्डिंग जो है हम अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को कितने टाइम से ज़्यादा जो है स्टोर करके नहीं रख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ट्वेल्व और ऑप्शन Number second is 24 R. Option number three is 48 R, and option number four is 72 R. तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री फोर्टी एट और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का नाइनटीन नाइनटी एट में जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्टी एट और से ज़्यादा जो है अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू एंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू टू ईयर्स ऑफ एज एंड प्रेगनेंट वुमन यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ऐसा कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है जिसमें दो साल तक के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमन्स हैं उन्हें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वंदे मातरम ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मिशन इंद्रधनुष ऑप्शन नंबर थ्री इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर फोर इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था जिसमें टू इयर्स तक की एज के जो चिल्ड्रन्स होते हैं और प्रेग्नेंट वुमन्स हैं उन्हें इम्यूनाइजेशन दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द टू इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत योजना यहाँ पर हमें टू इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट बताने हैं आयुष्मान भारत योजना के ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ जननी सुरक्षा योजना एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑप्शन नंबर थ्री इज जननी सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड ऑप्शन नंबर फोर इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है वो मैक्सिमम कितना रहता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ वन लाख पर ईयर पर फैमिली ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ फाइव लाख पर ईयर पर फैमिली ऑप्शन नंबर थ्री इज़ थ्री लैख्स पर ईयर पर फैमिली एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ टू लैख पर ईयर पर फैमिली तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड फाइव लाख पर ईयर पर फैमिली जो है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडमिनिस्टर्ड एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन है ये फर्स्ट लाइन एजेंट हम कौन सी कंडीशन में एडमिनिस्टर कर सकते हैं फर्स्ट इज हाइपो कैलेमिया ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाइपर कैलेमिया ऑप्शन नंबर थ्री इज हाइपो नेट्रेमिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज हाइपर नेट्रेमिया तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड हाइपर कैलेमिया हाइपर कैलेमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर जो कैल्शियम और पोटेशियम है ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं तो यदि पोटेशियम का जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट के जो इंजेक्शन है इन्हें एडमिनिस्टर करना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वर्ट 102 हंड्रेड टू डिग्री फेर एन टू सेल्सियस यहाँ पर 102 हंड्रेड टू डिग्री फेर को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ 39 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर थ्री इज़ 38.4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ थर्टी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर थर्टी एट पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस जो है अगर हम वन हंड्रेड टू फेर को जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज़ थर्टी एट पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं वन हंड्रेड टू फर वन हंड्रेड टू डिग्री फेरन को पहले हम माइनस करेंगे थर्टी टू से एंड इन टू फाइव डिवाइडेड बाई नाइन और इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें थर्टी एट पॉइंट एट हंड्रेड एट्टी नाइन डिग्री जो है यहाँ पर इसका आंसर आएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव दैट डिप्रेशन इज़ द कॉज ऑफ यहाँ पर पूछा गया है कि जो बायोलॉजिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन है वो किसके द्वारा कॉज होता है कौन से हार्मोन के इम्बेलेंस के कारण ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिक्रीज कोर्टिसोल लेवल कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होने के वजह से ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंक्रीज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होने के वजह से ऑप्शन नंबर थ्री इज डिक्रीज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होने के कारण एंड ऑप्शन नंबर फोर इज नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल या पैराथार्मोन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा उसकी वजह से तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इंक्रीज थारॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से जो डिप्रेशन है ये कॉज होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ अक्रैक्ड पॉट साउंड हियर्ड ऑन परकशन ऑफ स्कल इन हाइड्रोसिफेलस इज यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोसेफालस की, की कंडीशन है यदि पेशेंट में और हम प्रकर्षन कर रहे हैं स्कल का और हमें क्रैक्ड पॉट साउंड सुनाई दे रहा है तो उसे हम आ, क्या कंसीडर करेंगे कौन सा साइन जो है उसे कंसीडर किया जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सन सेटिंग साइन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ कर्निंग साइन ऑप्शन नंबर थ्री इज़ मैकवन साइन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ब्रॉडजेंग साइन तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री मैक्वेन साइन यदि जो हाइड्रोसीफेलिस की कंडीशन पेशेंट में रहती है और हम उसका जो स्कल में एग्जामिनेशन करते हैं और रेग्ड पॉट साउंड मतलब जैसे मटके के फूटने या चटकने जैसा साउंड यदि हमें सुनाई देता है परकशन के टाइम पर तो उसे हम मैक्वेन साइन कंसिडर करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ डिफेक्ट ऑफ द अम्बलाइकल रिंग दैट अलाउ एविज़न ऑफ़ द एब्डोमिनल कंटेंट इन टू एन एक्सटर्नल पैरिटोनियल सेक इज यहाँ पर पूछा गया है कि एक इस टाइप का डिफेक्ट हमें बताना है जिसमें जो एम्ब्लाइकल रिंग है उसमें जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो एक्सटर्नल पैरिटोनियल सैक में हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट इज गैस्ट्रोकाइसिस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑम ऑम्फैलोसील ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑम्ब्लाइकल हर्निया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ पैटेंट और का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑम्फैलो सील फैलो सील यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके की कंडीशन होती है जिसमें जो पेरिटोनियल सैक है इसमें जो भी एबडोमिनल कंटेंट है वो हमें ऊपर की तरफ तरीके से विजुअलाइज दिखेगा जो भी इंटेस्टाइन वगैरह हैं वो पेरिटोनियल सैक से जो है यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाई देती हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिक्सथ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज यहाँ पर पूछा है कि सिक्स डिसीज को और क्या कहा जाता है है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रूबेला ऑप्शन नंबर सेकंड इज रूबेला एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज रोजियोला इन फैंटम एंड ऑप्शन नंबर इज़ इन्फेक्शियोसम तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री रोजियोला इन फैंटम रोजियोला इन्फेक्टम ऐसी कंडीशन है जो कि ह्यूमन हर्पीज़ वायरस सिक्स के वजह से ये डिसीज कंडीशन जो है कॉज होती है और इसे सिक्स डिसीज भी कहा जाता है पेशेंट में हाई फीवर कोल्ड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और समटाइम्स जो है स्टमक में रैशेज भी दिखाई देते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन इंडिया निमोनिया अ कॉमन कॉज ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न इज़ कॉज्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेशेंट है यहाँ पर पूछा गया है कि यदि न्यूबॉर्न में निमोनिया देखा जाए जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है ये कॉज होता है तो इन सभी न, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है ये निमोनिया हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़कर ऑप्शनस यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ई कॉलाई ईस्टेरिया कॉलाई ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्टाप्टोकोकस ऑरियस ऑप्शन नंबर थ्री इज़ क्लैविजाला न्यूमोनिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ वी एम ट्यूबर किलोसिस तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू